टायर वायर पकड़ तो भाई अभी हम यहाँ चलो पेड़ गिर गया भाई इसका टायर देख कितना सा लगता है तो गाइस अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं यहाँ पे देख ये देख कितनी अच्छी पहाड़ियों में कितना अच्छा लग रहा है ना तगड़ी है ना हाँ चलते हैं। अरे कोटा की तरफ कोटा राइडिंग पे अभी गए थे लोग तो कोटा की तरफ अगर गाड़ी हो जाए हाँ बहुत शानदार जगह है भैया। तेरा कौन सा है बूंदी है ना अच्छा टोंक में हाँ तो टोंक में नहीं है कोई पानी वानी का हाँ बीसलपुर गया नहीं देखा बीसलपुर बांध सबसे बड़ा बांध है और एक और बन रहा है हमारे बगल राजस्थान में सबसे बड़ा बांध बन रहा है अच्छा मुझे टाइम तो मिल जाएगा तो चलेंगे ये फ्री रहता है ना हाँ फ्री हाँ तो बोलो मैंने बताया मैंने यूँ कहा था कि ना जैसे दो तीन गाड़ी हो एक फोर व्हीलर हो और हाँ यार यहाँ पूछें क्या बाबा से पूछें क्या अंदर घुसने देंगे मुझे लगता है अगले हम अंदर कौन जा सके गाड़ी से भाई साहब अंदर जा पाएगा 11,000 लागे से सीधा ही लेकिन जा सके 11,000 देंगे करें जिप्सी में जाओ आराम से जिप्सी बुक कराओ जिप्सी में जाओ तो जिप्सी में तो नहीं जाना चाहिए हाँ जिप्सी में नहीं बाइकों से खुद की गाड़ियों से नहीं है ना खुद की से फोर व्हीलर जा सकते हैं अच्छा अच्छा बाइक से बाग बाग रहते हैं इसमें और लेन करो गाड़ी आराम से जाओ कोई दिक्कत को नहीं गाड़ी से जान देते चलो सफारी वाले करेंगे यार कभी दो लोगों तो सफारी में जाओ ना गाड़ी लेके क्यों जाते हो सफारी में जाओ ना पड़ता खा जाएगा आपको 800 रुपये एड करौली से यही रहते हैं चलो वो भाई समझ गया यूट्यूबर गाड़ी से जाने जाना फिर तो माधोपुर चलेंगे ना माधोपुर चलना माधोपुर शानदार सिस्टम में रख दिया स्टोर में किया जाएगा अच्छा अच्छा माधोपुर में मैंने जरूर स्टोर में तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं मिल जाता है हाँ वो तो दिक्कत तो कोई भी नहीं वहाँ पर खलते रहे अच्छा अच्छा जो भी जी को दिखे ना शादी में वो जाते ले लेंगे अपन तो बाइक हो जाएगी अपने पास अरे माधोपुर में शानदार जगह है गणेश जी का कल ही गए थे लेकिन मैं गांव था लेकिन मैं यहाँ आ गया मैंने गांव से नहीं जाना मुझे इसलिए वीडियो बना